हे गाइस, मेरा नाम है अर्पित और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं iQOO 9 सीरीज के बारे में। तो यार, जो लोग आप में से इंटरेस्टेड हैं iQOO 9 सीरीज के लिए, तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि iQOO 9 सीरीज जो है इस महीने की 22 तारीख यानी 22 February को लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट में। यहाँ पर इस बार शायद पहली बार ऐसा हो रहा है iQOO की तरफ से इंडिया में, जहाँ पर हमें 3 स्मार्टफोन्स जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। पहला फोन होने वाला है iQOO 9 SE, दूसरा फोन होने वाला है iQOO 9, तीसरा फोन होने वाला है iQOO 9 Pro, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं iQOO 9 Pro के बारे में, जो कि उनका प्रो लेवल का जो है एक स्मार्टफोन होने वाला है। यहां पे हमें देखने के लिए मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। अगर मैं आगे बढ़ के बात करूं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पे आपको भर भर के जो है फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको 6.78 इंच की एक LTPO2 टेक्नोलॉजी बेस्ड एक AMOLED पैनल देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि 10-bit कलर को सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ इसकी पीक ब्राइटनेस बताई जा रही है 1500 nits की होगी। इस बार आपको यहां पे 120 हर्ट्ज का जो है AMOLED पैनल देखने के लिए मिलने वाला है, अलॉन्ग विद डॉल्बी विजन। आगे बढ़ के बात करूं तो यहां पे आपको इस बार अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा, जो आज से पहले हमें सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के हाई एंड फोन्स में देखने के लिए मिलता था। आगे बढ़ के अगर बात करूं, इस बार हमें यहाँ पे भाई कैमरा के डिपार्टमेंट में बहुत भर भर के फीचर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करें तो प्राइमरी सेंसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी लेंस देखने के लिए मिलेगा अलॉन्ग विथ गिम्बल स्टेबिलाइजेशन। सेकेंडरी लेंस आपको देखने के लिए मिलेगा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, जो कि कवर करेगा 150 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को। साथ ही साथ आपको यहाँ पे तीसरा लेंस जो देखने के लिए मिलेगा वो है 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो कि 2.5x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है अलॉन्ग विथ OIS। आगे बढ़ के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पीकर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलने वाले, बेसिकली 2 स्पीकर रहेंगे। और अगर मैं बैटरी के डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो आपको यहाँ पे 4700 mAh की एक ह्यूज बैटरी मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 120 वॉट का चार्जर बॉक्स में ही मिलेगा। आगे बढ़ के अगर मैं बात करूँ सेकेंड स्मार्टफोन की, जो कि है iQOO 9, तो यहाँ पे भाई आपको जो बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि iQOO 8 Pro जो चाइना में लॉन्च हुआ था, वही फोन रीब्रांड होकर हमें इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है आपको स्नैपड्रैगन 888+ मिलेगा, जो कि अलॉन्ग विद UFS 3.1 रहेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे LPDDR5 RAM देखने के लिए मिलेगी। अगेन यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो है सेम मिलने वाला है, LTPO टेक्नोलॉजी बेस्ड 120 हर्ट्ज AMOLED 10-bit कलर के साथ में, और यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलेगा। अगर मैं बात करूं इस फोन के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी लेंस देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि सेम है iQOO 9 Pro वाला। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा और 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। यहाँ पे आपको इस बार अल्ट्रासोनिक की जगह ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा, और यहीं पर आपको 120 वॉट की चार्जिंग ब्रिक भी बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तीसरे स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूं, तो जो कि होने वाला है iQOO 9 SE। अब कुछ ऐसे ही रूमर्स है कि ये जो फ़ोन है जो चाइना में लॉन्च हुआ था iQOO Neo 5S, उसका रीब्रांड होने वाला है। अगर ऐसा होने वाला है, तो यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का एक AMOLED पैनल मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज की आपको जो है रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा अलॉन्ग विथ 1300 nits पीक ब्राइटनेस। अगेन यहाँ पे आपको 67 वॉट की चार्जिंग ब्रिक मिलेगी। अगर कैमरे के डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको इसमें थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा आपको अलॉन्ग विथ OIS, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा, और जो थर्ड लेंस है उसके बारे में फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन या लीक नहीं है। अगर मैं बात करूँ तीनों स्मार्टफोन की प्राइसेस की, तो भाई आपको यहाँ पे सबसे सस्ता जो फोन है iQOO की तरफ से 9 सीरीज में जो मिलने वाला है, वो iQOO 9 SE, इसकी प्राइस रहने वाली 35,000 rupees। अगर मैं दूसरे स्मार्टफोन की बात करूं, तो वो होने वाला है iQOO 9, उसकी प्राइस होने वाली है 40,000 rupees से 45,000 rupees के आसपास। और जो प्रो वाला मॉडल है, यानी सबसे महंगा मॉडल, उसकी प्राइस जो है 60,000+ हो सकती है इस बार। अब आने वाला टाइम ही हमें बताएगा कि अब iQOO जो है इन फोन्स की जो है प्राइसिंग इंडिया के लिए क्या रखती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।